नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, पीएम मोदी ने किया कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत, घने कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, अब यूट्यूब पर भी खरीद पाएंगे प्रोडक्ट्स। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोरोना टीका लगाने के बाद शेयर किया अनुभव। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन लॉन्च मौके पर पीएम मोदी ने याद दिलाया लॉकडाउन के दिन और डॉक्टर्स तथा वैज्ञानिकों का किया आभार। कोरोना वैक्सीनेशन के मौके पर दुल्हन की तरह सजे अस्पताल, आरती की थाली लेकर स्टाफ ने किया स्वागत। घने कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, कई ट्रेन हुई कैंसिल तो अधिकांश है लेट। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से छाया अंधेरा, कुछ कदम दूर भी देखना हुआ मुश्किल, जगह जगह पर ट्रैफिक भी हुआ जाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी नहीं है राहत की उम्मीद, सरकार के उत्पाद शुल्क है ज्यादा। जेईई मेंस 2021 परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आज, 19 जनवरी से खुलेगी करेक्शन विंडो। यूट्यूब का नया फीचर हुआ जारी, वीडियो में दिखने वाले प्रोडक्ट को सीधे खरीद पाएंगे व्यूवर। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, सीमा विवाद पर हुई बात। 6 महीने में आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन, 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण के बाद कोरोना का असर हो जाएगा खत्म। आज कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के दिन देश में बचे कोरोना के सिर्फ 2% सक्रिय मामले, बीते 24 घंटे में आए 15,158 नए केस। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक महिला एसडीएम को फोन पर 5 लाख के रिश्वत लेने की बात करने के मामले में गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कर रहे थे, उसी समय बैठक में शामिल एक एसडीएम फोन पर घूस लेने की बात कर रही थी। कृषि कानून पर 11वें दौर की बैठक के बावजूद भी केंद्र सरकार और किसानों में सहमति नहीं बनने के बाद कल से लोनी बॉर्डर बंद करके धरना देंगे किसान, खाप पंचायत में लिया गया है फैसला। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान म्यांमार और बांग्लादेश से आए पीड़ित प्रवासियों को नौकरी देगा सिंचाई विभाग। देश भर में आज से शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण, सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी के बाद जल्द ही आम लोगों को भी लगेगा टीका। दिल्ली सरकार के सर्वे में हुआ खुलासा, कोरोना काल के बाद अब तक दिल्ली में लगभग 10% बच्चे हैं स्कूल से वंचित। शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, कहा घड़ियाली आंसू न बहाए राहुल, उनकी दादी इंदिरा गांधी भी पंजाबियों को कहती थी खालिस्तानी। एक देश एक राशन कार्ड सुधार को लागू करने वाला 11वां राज्य बना तमिलनाडु, व्यय विभाग ने राज्य को दी अनुमति। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रस्साकसी, तरुण गगोई के बाद पार्टी के कई नेता कर रहे हैं दावेदारी। राजस्थान के सभी थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, सीएम गहलोत ने दिया आदेश। कोहरे के कहर में डूबी दिल्ली, आईजीआई एयरपोर्ट से 130 से ज्यादा फ्लाइट और दिल्ली से गुजरने वाली 25 ट्रेनें हुई लेट। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।